प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आज 15वें भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत है। उन्होंने कहा कि आज भारत बहुत से क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय शौर्य गठबंधन ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। इस माध्यम से हम दुनिया को एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड की दिशा में ले जाना चाहते हैं। भारत तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि खेल में भी बढ़ी सकती है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और आधुनिक संशोधन समेत इस देश के क्षेत्र में भी बना रहे हैं रिकॉर्ड। ईवीएम हैकिंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया जनमत के अपमान का आरोप। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ईवीएम हैकिंग कांग्रेस का प्रायोजित है, कांग्रेस ने मामले से बनाई दूरी। ICC अवार्ड में कप्तान विराट कोहली ने लगाई पुरस्कारों की हिट। एक क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए कोहली। ICC ने सौंपी अपने टेस्ट और वनडे टीम की भी कमान। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बड़ी मुश्किलें। हिमस्खलन के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पंजाब हरियाणा में भी बारिश से आम जनजीवन में मुश्किलें। सब्सक्राइब करें NVC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।